अक्सर मैंगो के पौधे में जब नए पत्ते निकलते हैं तब अपने पौधे के ऊपर एक इंसेक्ट का अटैक होता है। इसका नाम है वीवहील। मैंगो के पौधे के नए पत्तों को वो कुछ इस तरीके से कट कर देते हैं। देख के लगता है कि शायद किसी ने कैंची से नए पत्तों को काट दिया हो, लेकिन ये इंसेक्ट बिल्कुल इसी तरीके से मैंगो के पौधे के नए पत्ते को काट देते हैं। काटने के बाद वो पत्तों को कुछ इस तरीके से नीचे घिरा देते हैं। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। आज हम बात करेंगे वीवहील के अटैक को रोकने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, और अगर आपके पौधे में वीवहील का अटैक हो चुका है तो उसके बाद आप क्या करेंगे इसके बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुरोजीत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मिशन गार्डनिंग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वीवहील क्या होता है। यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हैं कि वीवहील किस तरीके का दिखता है। ये पौधे के पत्तों के बिल्कुल बीच में बैठता है, उसके बाद इनको काट देता है। लेकिन पत्तों को काटने से पहले ये पत्ते के नीचे अपना अंडे छोड़ देते हैं, उसके बाद पत्तों को काट के नीचे गिरा देते हैं। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं मेरे पौधे के नीचे कितने सारे पत्ते गिरे हुए हैं, और अगर हम नोटिस करें तो इनके नीचे वीवहील का अंडा होगा। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं छोटे छोटे अंडे इसके ऊपर बने हुए हैं। अगर आपके पौधे में वीवहील का अटैक हो चुका है तो सबसे पहले आपका काम है जितने भी पत्ते आपके पौधे के नीचे गिरे हुए हैं उन सभी को कलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद इनको अपने पौधे से दूर फेंक दीजिए या फिर आग में जला दीजिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे वीवहील का अंडा होगा जो बाद में बड़ा होने के बाद आपके पौधे में फिर से अटैक करेंगे। इसीलिए सबसे पहले आप इनको कलेक्ट कीजिए, उसके बाद इनको फेंक दीजिए। आप बात करते हैं वीवहील के अटैक को रोकने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में। सबसे पहले जब भी आपके पौधे में नए पत्ते निकलने लगे तब आप हर 3 से 4 दिन में एक बार 5 ml नीम ऑयल हर 1 लीटर पानी के साथ मिला के अच्छी तरीके से आपके पौधे में स्प्रे कर दीजिए। इससे आपके पौधे में वीवहील या फिर किसी भी इंसेक्ट का अटैक होने का चांस बहुत ही कम हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पौधे में मेरी पौधे की तरह अटैक हो चुका है तो सबसे पहले आपके पौधे के नीचे जितने भी पत्ते आपको गिरे मिलेंगे उन सभी को उठा के खराब कर दीजिए। उसके बाद आप कोई भी एक अच्छा पेस्टिसाइड जैसे कि इमिडाक्लोरोपीट या फिर काका या फिर प्रोफेक्स सुपर इनको अच्छी तरीके से आपके पौधे के ऊपर स्प्रे कर दीजिए। इससे आपका ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। यही था आज का वीडियो मैंगो वीवहील के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल या फिर सुझाव हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।